कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ करिश्मा वर्मा, न्यूज इंडिया जयपुर। नगर निगम वार्ड संख्या 76 के पूर्व पार्षद गुलाम नबी के निधन के बाद 4 अक्टूबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते बुधवार को एसडीएम के समक्ष कांग्रेस के उम्मीदवार इकरामुद्दीन और भाजपा के उम्मीदवार अशोक गायवाल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद। इसलिए मैंने जनता से आग्रह किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आवेदन पर, उनके आग्रह पर अशोक का चयन हुआ है और अशोक को भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता की जो हमारी मजबूत कड़ी है वो चुनाव जाकर। दिल्लियों की कोई वैल्यू नहीं है, ये वार्ड परंपरागत रूप से कांग्रेस का रहा है और भाई इकरामुद्दीन जनता के बीच के आम आदमी का कार्यकर्ता है, सीधा इनका जुड़ाव है और क्षेत्र के विकास की समस्याओं के लिए लड़ते रहे हैं और ये सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला नौजवान चेहरा है जो जयपुर के अंदर रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अहमदुल्ला खान, न्यूज इंडिया जयपुर। प्रदेश भर में आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान में प्रदेश भर में स्वच्छता को लेकर जगह जगह साफ सफाई की जाएगी, जिसको लेकर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वच्छ युवा दिवस मनाया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी शिरकत की। राजेंद्र राठौड़ ने इस मौके पर छात्र छात्राओं को साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। मंत्री है, यूनिसेफ और जन संचार विभाग हमारे पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। आज हमारी कुल मिला के जो 9,851 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसमें से 6,375 ग्राम पंचायतें ऑडिट हो चुकी है। आज राजस्थान के अंदर 87% घरों में 1,81,00,000 परिवार जो राजस्थान के हैं उसमें 87% घरों के अंदर व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हो